दोस्तों, अगर आपकी सैमसंग की एलईडी टीवी ऑन नहीं हो रही और ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो इन सब का फॉल्ट हम देखेंगे। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक से बताऊंगा कि आप अपनी एलईडी को किस तरह ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं डीजी के टेक्निकल। चलते हैं अपनी एलईडी की तरफ। दोस्तों, अगर आपकी एलईडी ब्लैक स्क्रीन है और बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रही, तो आपने सबसे पहले अपनी एलईडी की तार को निकाल लेना है। दोस्तों, तार निकालने के बाद आपने अपनी एलईडी का पावर वाला बटन 30 सेकंड से 1 मिनट तक दबा के रखना है। 30 से 1 मिनट तक बटन दबाने के बाद आपने अपनी एलईडी की तार दोबारा लगा देनी है। दोस्तों, तार लगाने के बाद आपने अपने एलईडी का पावर बटन ऑन कर लेना है, इससे आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। दोस्तों, बताता चलूं कि जरूरी नहीं कि आपकी एलईडी में भी ये फॉल्ट हो, बहुत से दूसरे फॉल्ट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा करने से भी आपकी एलईडी ऑन नहीं होती, तो आपको किसी अच्छे से टेक्नीशियन से राबता करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।